नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने iOS 15.2 का डेवलपर बीटा 2 रिलीज कर दिया है और हमें उम्मीद है कि जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक एप्पल iOS 15.2 का पब्लिक बीटा 2 भी रिलीज कर देगा। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारे चेंजेस और बग फिक्सेस जो हमें इस बीटा वर्जन में देखने को मिलेंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, एप्पल ने यहाँ पर iOS 15.2 बीटा 2 के साथ साथ iPadOS 15.2 बीटा 2, WatchOS 8.3 बीटा 3, TVOS 15.2 बीटा 2, HomePodOS 15.2 बीटा 2 और macOS Monterey 12.1 बीटा 2 को भी रिलीज किया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस अपडेट के फाइल साइज को। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का फाइल साइज मेरे इस iPhone 13 Pro Max में 850.3 MB है। दोस्तों, ये अपडेट फाइल साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से iPhone मॉडल में अपडेट कर रहे हैं और आप किस सॉफ्टवेयर वर्जन से अपडेट कर रहे हैं। मैं अपने इस iPhone 13 Pro Max में iOS 15.2 बीटा 1 से बीटा 2 पर अपग्रेड कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस अपडेट के बिल्ड नंबर पर। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 19C5036E। दोस्तों, इस ई का मतलब यहां पर यह है कि अभी हमें यहां पर iOS 15.2 के कुछ और बीटा रिलीजेस देखने को मिलेंगे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं iOS 15.2 बीटा 2 में आने वाले कुछ चेंजेस के ऊपर। सबसे पहला चेंज दोस्तों जो हमें यहां पर देखने को मिलता है वो मिलता है मॉडर्म फर्मवेयर में। आप यहां पर देख सकते हैं कि iOS 15.2 बीटा 2 में हमें मॉडर्म फर्मवेयर नंबर देखने को मिल रहा है 1.30.00। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपको iOS 15.2 बीटा 1 तक कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे थे तो वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज होपफुली यहां पर अब रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरा चेंज दोस्तों जो हमें यहां पर iOS 15.2 बीटा 2 में देखने को मिलता है वो है कि अब हमें यहां पर लेगेसी कॉन्टैक्ट को ऐड करने का ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आप अपने आईफोन में सेटिंग्स में अपने एप्पल आईडी के ऊपर टैप करते हैं और उसके बाद यहां पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाते हैं, इस पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में अब आप नीचे यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर लेगेसी कॉन्टैक्ट वाला यह ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप इस ऑप्शन के ऊपर यहां पर टैप करते हैं तो आपको यहां पर ऐड लेगेसी कॉन्टैक्ट का यह ऑप्शन देखने को मिलता है। जब हम इस ऐड लेगेसी कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं तो हमें यह स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिलता है। दोस्तों, इस लेगेसी कॉन्टैक्ट का मतलब यह है कि आप अपने किसी भी ट्रस्टेड पर्सन को यहां पर असाइन कर सकते हैं अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए अगर कभी आपकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे सिनारियों में अगर आप किसी पर्सन को अपनी एक्सेस की को शेयर करते हैं तो वो पर्सन आपकी एक्सेस की और आपके डेथ सर्टिफिकेट को यूज करके आपके फोन के डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये लेगेसी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन यहां पर iOS 15.2 बीटा 2 में ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज दोस्तों जो यहां पर किया गया है वो किया गया है iCloud Plus मेंबर के लिए और वो है हाइड माय ईमेल में। अब आप डायरेक्टली अपनी मेल ऐप से ही हाइड माय ईमेल ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जब आप अपनी मेल ऐप में जाते हैं और यहां पर कंपोज ईमेल वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहां पर इस फ्रॉम वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं और इसके ऊपर यहां पर टैप करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अब आपको यहां पर ये हाइड माय ईमेल का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप इस ऑप्शन को यहां पर चूज कर लेते हैं तो यहां पर आपको फ्रॉम में हाइड माय ईमेल देखने को मिलता है। तो ये हाइड माय ईमेल का ऑप्शन अब आपको डायरेक्टली ईमेल में ही दे दिया गया है iOS 15.2 बीटा 2 में। नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें देखने को मिलता है कैमरा सेटिंग्स में। जब हम अपने फोन की सेटिंग्स में नीचे कैमरा सेटिंग्स में जाते हैं तो यहां पर सबसे नीचे आपको ये ऑटो मैक्रो वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। जब हम इस ऑप्शन को यहां पर ऑफ कर देते हैं और ऊपर जाके अपने इस प्रिजर्व सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर ये ऑटो मैक्रो वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप इस टॉगल को यहां से ऑन कर देते हैं और अपने कैमरा ऐप में जाते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अब आपको यहां पर ये मैक्रो वाला बटन देखने को मिलता है। आप इस बटन के ऊपर यहां पर टैप करके अपने फोन के मैक्रो मोड को यहां से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक चेंज यहां पर हमें देखने को मिलता है मैक्रो सेटिंग्स में iOS 15.2 बीटा 2 में। नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें देखने को मिलता है फाइंड माय ऐप में। फाइंड माय ऐप में जब आप अपने आइटम्स वाले मेन्यू पे जाते हैं तो आपको यहां पर अब ये दो नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि हैं हेल्प रिटर्न लॉस्ट आइटम्स और आइटम दैट कैन ट्रैक मी।
अगर आपको कहीं पे कोई खोया हुआ आइटम मिलता है तो आप यहाँ पर हेल्प रिटर्न लॉस्ट आइटम वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके यहाँ से आप उस आइटम को सर्च कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उस आइटम के ओनर ने कोई मैसेज तो नहीं छोड़ा है उस आइटम को रिटर्न करने के लिए। और दोस्तों अगर हम इस आइटम डेट कैन ट्रैक मी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं तो आप यहाँ पर इस सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके देख सकते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा एयर टैग या कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो आपको ट्रैक कर रहा है। तो ये एक बड़ा ही यूजफुल फीचर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है फाइंड माई ऐप में iOS 15.2 बीटा 2 में। नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें देखने को मिलता है पॉडकास्ट सेटिंग्स में। पॉडकास्ट सेटिंग्स में आप यहां पर देख सकते हैं मेरे इस आईफोन 6S प्लस में iOS 15.2 बीटा 1 में और राइट साइड में मेरे इस आईफोन 13 प्रो मैक्स में iOS 15.2 बीटा 2 में हमें कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं। आप यहां पर राइट साइड में देख सकते हैं कि इस डाउनलोड वाले ऑप्शन को यहां पर ऊपर मूव कर दिया गया है। इसके अलावा हमें यहां पर डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड व्हेन सेविंग और मोबाइल डेटा ऑटो डाउनलोड के नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर नीचे जाते हैं और इस एक्सटर्नल कंट्रोल वाले इस ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़े से वर्डिंग में चेंज नजर आता है। आप यहाँ पर लेफ्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्किप फॉरवर्ड और बैक का ऑप्शन देखने को मिलता है जबकि राइट साइड में आपको फॉरवर्ड और बैक का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये हल्के से चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं पॉडकास्ट ऐप की सेटिंग्स में। नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें देखने को मिलता है मैसेजेस ऐप में। मैसेजेस ऐप में अब हमें कम्युनिकेशन सेफ्टी का फीचर देखने को मिलता है। ये कम्युनिकेशन सेफ्टी फीचर दोस्तों बच्चों के लिए ऐड किया गया है जिसमें उनको कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट फोटो भेजता है तो उनको एक वार्निंग देखने को मिलेगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके का वार्निंग मैसेज यहां पर देखने को मिलेगा जब कोई इस तरीके की इमेज आपके बच्चों को देखने को मिलेगी। और अगर वो इस तरीके की इमेज पे एक्सीडेंटली या इंटेंशनली क्लिक करते हैं तो किसी ट्रस्टेड एडल्ट मेंबर के पास मैसेज चला जाएगा कि इस तरीके की इमेज उस बच्चे को सेंड की गई है। तो ये चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड काफी अच्छा फीचर यहां पर ऐड किया गया है मैसेजेस ऐप में iOS 15.2 बीटा 2 में। तो दोस्तों ये थे वो सारे चेंजेस जो हमें iOS 15.2 बीटा 2 में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ बग फिक्सेस के बारे में। एप्पल ने दोस्तों यहां पर एक ही बग फिक्स के बारे में बात की है जो है सफारी एक्सटेंशन से रिलेटेड और ये बग भी दोस्तों डेवलपर से रिलेटेड है। इसके अलावा दोस्तों एप्पल ने यहां पर दो ऐसे इश्यूज के बारे में बात की है जो अभी भी यहां पर iOS 15.2 बीटा 2 के बाद भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। इसमें सबसे पहला इशू है दोस्तों म्यूजिक ऐप के साथ जिसमें एप्पल का कहना है कि म्यूजिक ऐप को यूज करने की वजह से ज्यादा सीपीयू यूसेज हो रही है जिससे कि हमारे फोन की बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन हो रही है। तो इस इशू पर यहां पर एप्पल iOS 15.2 बीटा 2 के बाद भी काम कर रहा है। दूसरा इशू है दोस्तों हेल्थ किट से रिलेटेड। ये इशू दोस्तों इंडियन यूजर्स के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। इस इशू में यूजर्स जब अपने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को अपने वॉलेट ऐप के साथ ऐड कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ ऐप फ्रीज हो रही है। तो इस इशू पर भी एप्पल यहां पर iOS 15.2 बीटा 2 के बाद काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों एप्पल ने यहां पर किसी और इशू या बग फिक्सेस के बारे में बात नहीं की है। दोस्तों अगर आप भी iOS 15.2 बीटा 1 या बीटा 2 के बाद किसी बग या किसी इशू को फेस कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस में दोस्तों यहां पर मुझे iOS 15.2 बीटा 1 के बाद भी कोई ऐसा मेजर इशू देखने को नहीं मिल रहा था और ऐसी ही उम्मीद मुझे लगती है iOS 15.2 बीटा 2 के बाद भी। मेरे इस आईफोन 13 प्रो मैक्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे इस iPhone 6s Plus में भी कोई किसी तरीके का कोई परफॉर्मेंस इशू मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। बैटरी परफॉर्मेंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि लास्ट 10 डेज की अगर हम बैटरी परफॉर्मेंस देखें तो कल दोस्तों मुझे यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला था 2 hours 33 minutes का और स्क्रीन ऑफ टाइम मिला था 41 minutes का जिसमें मैंने करीब अपनी 60% बैटरी यूज की थी। और अगर हम यहाँ पर कुछ दिन पहले के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम मिला था 2 hours 10 minutes का और स्क्रीन ऑफ टाइम मिला था 1 hour 37 minutes का। तो यहाँ पर हमें डिसेंट बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है iOS 15.1 बीटा 1 के साथ साथ। iOS 15.2 बीटा 2 इंस्टॉल किए हुए अभी दोस्तों हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो इसकी बैटरी परफॉर्मेंस को भी हम गेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें रिपोर्ट किया है कि उनके iOS 15.2 बीटा 1 इंस्टॉल करने के बाद बैटरी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया है। तो दोस्तों आपको अपने फोन में बैटरी परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिल रही है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अब देख लेते हैं दोस्तों गीकबेंच स्कोर्स को। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि iOS 15.2 बीटा 1 में मेरे को सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला था 1735 का जो कि सिमिलर ही देखने को मिल रहा है बीटा 2 के साथ और यहां पर हमें सिंगल कोर स्कोर मिला है 1734 का।
अगर हम मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो यहाँ पर बीटा वन में मुझे मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला था 4319 का, जिसमें यहाँ पर हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है बीटा टू में, और अब हमें यहाँ पर मल्टी कोर स्कोर देखने को मिलता है 4664 का। तो यहाँ पर हमें गीकपेंच कोर्स में हल्का सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है मल्टी कोर स्कोर्स में बीटा वन से बीटा टू में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं iOS 15.2 के रिलीज शेड्यूल के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमें iOS 15.2 का बीटा 1 दो हफ्ते पहले देखने को मिला था, तो अगर एप्पल इस 2 वीक साइकिल को आगे भी फॉलो करता है तो हमें iOS 15.2 का बीटा 3 24th या 23rd नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि iOS 15.2 का बीटा 3 हमें नेक्स्ट वीक भी देखने को मिल सकता है 16th या 17th नवंबर के आसपास। तो दोस्तों ये थे वो सारे चेंजेस और बग फिक्सेस जो हमें iOS 15.2 बीटा 2 में देखने को मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।